का नहीं होना है, कौन सी चीज कैसे होनी, राइट। सो व्हेन वी टॉक ऑफ अ मॉडर्न स्टेट एंड अ नेशन स्टेट, तो एक नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसकी अपनी एक जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल एंटिटी होती है, वो एक सोवरेन टेरिटरी की तरह क्या करता है, काम करता है। और एक मॉडर्न स्टेट एक इस तरीके का स्टेट होता है जहां पर एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है, और वो जो गवर्नमेंट रहती है उस टेरिटरी के लिए जितने भी डिसीजन मेकिंग रहेगी वो करेगी, ठीक है। इसके बाद एक टर्म दिख रहा है बेटा, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट। एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर क्या होता है, जिस गवर्नमेंट में क्या होगा बेटा, राजा के पास लिमिटलेस पावर्स होंगे। राजा के पास कैसे होंगे, वहां का जो मोनार्क होगा, वहां का जो किंग होगा, दैट किंग और मोनार्क इज गोइंग टू हैव लिमिटलेस पावर, और उसमें उसकी अथॉरिटी को कोई भी बंदा क्वेश्चन नहीं कर सकता। व्हेन आई से कि उसकी अथॉरिटी को कोई भी बंदा क्वेश्चन नहीं कर सकता, इस बात का मतलब क्या है, राजा ने बोल दिया ये रूल पास होगा तो होगा, और उसने बोल दिया कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा। राजा किसी को भी आंसरेबल नहीं रहता, वो जैसा बोलता है वैसा ही होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ इट्स क्लियर सो शो मी अ थम्स अप। बी हाँ बच्चा, एक बार मॉडर्न स्टेट फिर से बता दो। ओके बेटा यशिका, मॉडर्न स्टेट नेशन स्टेट जैसा ही होता है, लेकिन मॉडर्न स्टेट में हमारे पास हमेशा एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है। जैसे आज अगर इंडिया को किसी के अगेंस्ट, किसी नेशन के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करना है, तो जब इंडिया को इस नेशन के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करना है, तो ये नेशन हमारे पास एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो क्या डिसाइड करेगी कि वॉर डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है। सो वी हैव अ प्रॉपर गवर्नमेंट एट द सेंटर जो इस सोवरेन टेरिटरी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। आया समझ में? वंशिका का चैप्टर समझा हुआ है तो उसको नींद आ रही है ना? चलो नो बिग डील। आते हैं बेटा अब फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। क्या याद है, थोड़ा सा हम लोग अगर फ्लैशबैक में जाएं तो क्लास नाइन्थ में आप सब लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। हाँ, तो जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक थोड़ी सी यहाँ पर छोटी सी हम लोग को क्या दी हुई है, समरी दी हुई है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। ओके, तो जब हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो फ्रांस 1789 तक एब्सोल्यूट मोनार्की में था। अब आप सबको पता है एब्सोल्यूट मोनार्की का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है जहां पर राजा के पास लिमिटलेस पावर होते हैं और उसके क्वेश्चन को कोई भी, उसकी किसी भी चीज को कोई भी बंदा क्वेश्चन नहीं कर सकता। जब ये रेवोल्यूशन हुई तो जो सोवरेनिटी थी वो मोनार्क से किसके पास चली गई, फ्रेंच पीपल के पास। यानी कि जब फ्रांस का पहला रेवोल्यूशन हुआ तो बोला अब राजा के पास लिमिटलेस पावर नहीं रहेंगे, फ्रांस की अपनी एक गवर्नमेंट होगी जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होगी, और ये जो गवर्नमेंट है विच इज बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल, दिस गवर्नमेंट वुड बी रूलिंग फ्रांस, ठीक है। आइडियाज ऑफ फादरहुड है, आइडियाज ऑफ फादरहुड मतलब क्या तन्वी, आइडियाज ऑफ फादरहुड का मतलब ये कि जो नेशन है वो हमारे पिता है और हमें क्या करना है, उसकी वैसे ही रिस्पेक्ट करनी है, उसको वैसे ही प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज ही इज अ फादर, ही इज द ब्रेड विनर, उसकी वजह से, नेशन की वजह से आज हम खा पी रहे हैं, आज हम एक अच्छे माहौल में रह रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आर नेशन, आर नेशन इज आर फादर, और हम सब सिटीजंस हैं। व्हेन आई से हम सब सिटीजंस हैं, इस बात से क्या प्रूव होता है, इस बात से ये प्रूव होता है कि हमारे अंदर कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इंफीरियर नहीं है, हम सब इक्वल सिटीजन है दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर नेशन, ठीक है ना। फिर आया बेटा नया फ्रेंच फ्लैग लेकर आए, ट्राई कलर, और जो पुराना फ्रेंच फ्लैग था जो किंग लुईस 16 के अंदर था, नेशनल रॉयल स्टैंडर्ड, उस फ्लैग को हटा दिया गया, ठीक है ना। एस्टेट जनरल को हटाया नाम और नेशनल असेंबली नाम दिया गया, एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश किया, इंटरनल कस्टम ड्यूज अबॉलिश कर दिए। इंटरनल कस्टम ड्यूज क्या होते हैं बेटा, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक सामान बेचने जा रहे हो तो इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस जब आप सामान बेचते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आपको टैक्सेस भरने पड़ते थे, तो बोला अब फ्रांस में सारे स्टेट्स इक्वल है, सिर्फ सेंट्रलाइज ट
ठीक है, तो उस स्टेट में जब आप एक सेंट्रलाइज स्टेट हो, तब आपको जब फ्रांस के एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाना रहेगा तो आपको वहां पर टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इंटरनल कस्टम ड्यूज अबॉलिश होगा, यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर आ गए। व्हेन आई से यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर आ गए, मतलब पहले हर स्टेट का अलग वेट्स होते थे, हर स्टेट के अलग मेजर्स होते थे। मतलब 1 पाउंड वहां चलेगा तो कहीं पर ग्राम्स में चलेगा, कहीं पर केजी में चलेगा। तो ये सारी कहानी हटा के बोला गया, नहीं यार, अब सब जगह वेट्स और मेजर्स कैसे रहेंगे, एक ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रांस बोला, फ्रेंच जो है अब नेशन की लैंग्वेज बन गई है, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो अंडर ऑल दीज सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल दीज सर्कमस्टांसेस, जो हमारा व्हाट डू वी कॉल इट, फ्रांस जो था वहां पर उसका पहला रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो फ्रांस का ये जो फर्स्ट रेवोल्यूशन व्हाट एवर दिस वाज, इट टुक प्लेस, लोगों के हाथ में बहुत सारा पावर आया और फिर फ्रांस ने अपना धर्म समझ लिया कि अब हम हमारे यहाँ के लोगों को आजाद कर दिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे देशों में जाकर क्या करेंगे, वहां के राजाओं को पावर से हटाएंगे और उन सारे नेशंस में क्या लेकर आएंगे, डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन फ्रांस में ये कहानी ज्यादा दिन नहीं चली, बिकॉज 1799 से लेके 1815 तक फ्रांस को किसने रूल किया, नेपोलियन ने। ठीक है, जब तुम लोग कभी बहुत ध्यान से फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि फ्रांस में बहुत बार पावर स्विचेस आए। सबसे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर रोबेस्पियर की गवर्नमेंट आई जिसका नाम था कन्वेंशन, और फिर कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस आई। अब ये जो डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस आई थी, इसमें क्या होता था, जो 5 डायरेक्टरीज थे, ये 5 आपस में ही क्या करते रहते थे, लड़ते रहते थे। सो बिकॉज ऑल फाइव ऑफ देम केप्ट फाइटिंग विद ईच अदर, तो जो नेशन की लीडरशिप थी वही स्टेबल नहीं थी, जो नेशन की लीडरशिप थी वही क्या नहीं कर पा रही थी, देश नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए नेपोलियन रोज टू पावर। तो नेपोलियन जब पावर में आया तो नेपोलियन ने फ्रांस को करीबन 15 साल रूल किया, 1799 से लेके 1815 तक। और जब इसका रूल आया तब बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, जिसे हम लोग कहते हैं सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड। सबसे पहले नेपोलियन ने क्या किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश करी, कि कोई फर्स्ट एस्टेट नहीं, कोई सेकेंड एस्टेट नहीं, ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। फिर जितनी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थी वो भी इसने क्या करी, हटा दी, बोला अब किसी को कोई भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, उसके बाद उसने सारे फ्रेंच सिटीजंस को राइट टू प्रॉपर्टी दिया। व्हेन आई से उसने सारे फ्रेंच सिटीजंस को राइट टू प्रॉपर्टी दिया, इस बात का मतलब क्या होता है कि ऑल द फ्रेंच सिटीजंस कैन अक्वायर प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम। अब ऐसा नहीं होगा कि ये प्रॉपर्टी चर्च की है तो आप नहीं ले सकते, ये प्रॉपर्टी इज नोबल की है तो आप नहीं ले सकते। एवरीबडी कैन टेक वॉट एवर प्रॉपर्टी, एवरीबडी कैन ओन अ लैंड ऑन देयर ओन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत इन्होंने अच्छा कर दिया नेपोलियन ने। जितने पीजेंस थे उनको सर्वडम से हटा दिया, व्हेन आई से इसने पीजेंस को सर्वडम से हटा दिया, मतलब जितने भी पुराने ड्यूज थे कि आपको नोबल को इतना टैक्स देना है, आपको चर्च को इतना टैक्स देना है, बोला अब किसी को कोई टैक्स नहीं देती है, आज से ये सारे टैक्सेस हम लोग क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। टाउन्स में गिल्ड रेस्ट्रिक्शन हटा दी। सेंड समबडी टेल मी व्हाट आर गिल्ड्स, गिल्ड्स क्या होते हैं, क्या सुना है किसी ने, वाटर गिल्ड, व्हाट इज गिल्ड सिस्टम। इफ नो शो मी अ थम्स डाउन एंड इफ यस टेल मी, अगर नहीं बताए तो शो मी अ थम्स डाउन। जब हम लोग गिल्ड सिस्टम की बात करते हैं बेटा, जब हम लोग गिल्ड सिस्टम की बात करते हैं तो गिल्ड में क्या होता है, आप कुछ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन रहते हैं। ये ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन क्या करते हैं, बेसिकली ये ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, और अब ये क्या करते हैं, अपने हिसाब से सारे जितने भी लेबर होते हैं ये अपने लेबर्स को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, ये अपने लेबर्स को ट्रेन करते हैं, ये मार्केट में सारी चीज़ों के प्राइजेस फिक्स करते हैं, सो दैट कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा, अगर आज मार्केट में मैं, जीना, ब्रिजवानी और वंशिका बैठे, हम चारों क्या करते हैं, कपड़े बेचते हैं।
तो हम लोग ने क्या करा, हम लोग जब कपड़े लेने जाएंगे, मतलब हम रॉ मटेरियल जब लेने जाएंगे हमारी फैक्ट्री का, तो हम लोग क्या करेंगे, चारों रॉ मटेरियल इकट्ठा लेने जाएंगे, ताकि हम लोग जो सेलर होगा उसको बोलेंगे देखो हम चार जने खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में खरीदेंगे, तो क्योंकि हम चार जने खरीद रहे हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं तो आप रेट्स क्या लगाओ, कम लगाओ। सिमिलरली हम लोग चारों आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज हम इतने रेट से सस्ते में बेचेंगे, मतलब हम लोग आपस में कॉम्पिटिटर्स तो हैं पर हम लोगों ने अगर एक ड्रेस है जो हम चारों के पास बिल्कुल सेम है, ठीक है वंशिका फोकस, ठीक है, तो अगर हमारे पास चारों के पास एक ड्रेस है जो क्या है बिल्कुल सेम है, तो अगर प्रथम आया बार्गेन करवाने की नहीं यार आप सस्ते में दे दो इतने में तो वो भी दे रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग बोलेंगे देखो कम से कम हम इतने में तो बेचेंगे, ठीक है ना, इससे हम चारों सस्ता नहीं करेंगे, आपको जिससे लेना है ले लो। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, मार्केट में आप चौथे या पांचवें बंदे को आने नहीं देते। हम चारों ने डिसाइड कर लिया ना, तो हम लोग लेबर से ही बात कर लेंगे कि पांचवें बंदे से क्या करेगा, कोई अगर आपने इस पांचवें बंदे को लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करी तो हम चारों आपको काम से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो पहले गिल्ड सिस्टम अलाउड नहीं था, नेपोलियन ने बोला आपको बिजनेस करना है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, आपको जैसे बढ़ाना है बढ़ाओ, मेरी तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उल्टा मैं गिल्ड रेस्ट्रिक्शन भी हटा रहा हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट भी इम्प्रूव करके दे रहा हूँ, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव करके दे रहा हूँ। तो डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो नेपोलियन बहुत अच्छा बंदा था, ही ब्रॉट अबाउट अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन फ्रांस, ही अक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टेरिटरीज ऑफ फ्रांस, फ्रांस के आसपास के देशों में उसने बहुत क्या करा, बहुत सारे देशों में अपना राज कर लिया। अब ये दोनों बातें थी, एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात थी कि फ्रांस नेपोलियन जो था वो फ्रांस की टेरिटरी को क्या कर रहा था, एक्सपांड कर रहा था, लेकिन दूसरी ही जगह जब आपको दूसरी टेरिटरी एक्वायर करनी पड़ती है तो आपको क्या करना पड़ता है, उस टेरिटरी पे मिलिट्री का अटैक करना पड़ता है। अब क्योंकि अगर आपकी मिलिट्री वहां अटैक करेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्म्ड पीपल लगेंगे आपको, आर्म फोर्सेस में आर्मी में बंदे लगेंगे, तो जब आपको आर्म फोर्सेस में आर्म पीपल लगेंगे तो ऐसे में क्या होगा बेटा, ऐसे में जो आपकी आर्म फोर्सेस रहेगी उसमें नेपोलियन ने क्या करा, जबरदस्ती लोगों को क्या करना स्टार्ट कर दिया कि आपको तो आर्मी में आना ही है, अगर आप आर्मी में नहीं आओगे तो आप फ्रांस में नहीं रह सकते। टैक्सेशन बहुत बढ़ा दी क्योंकि इतनी लड़ाइयां लड़नी थी तो इतनी लड़ाइयों के लिए पैसे तो चाहिए। सेंसरशिप, आप कभी भी नेपोलियन के अगेंस्ट कुछ भी छाप नहीं सकते, नेपोलियन के अगेंस्ट कुछ भी बोल नहीं सकते, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से जो नेपोलियन था उसकी गवर्नमेंट लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बात करते हैं यूरोप इन मिड 18 सेंचुरी। जब हम लोग मिड 18 सेंचुरी के यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में कोई नेशन स्टेट था ही नहीं, मतलब इटली अपने आप में कोई नेशन नहीं था, जर्मनी अपने आप में कोई नेशन नहीं था, फ्रांस अपने आप में कोई नेशन नहीं था, हर जगह बहुत सारे लोग रहते थे, कुछ लोग एक जगह पे ज्यादा रहते थे और वो खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि हम तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, बट वी डू नॉट बिलोंग टू अ नेशन नोन एज फ्रेंच, हम जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। मतलब इसको कुछ ऐसे समझो कि इंडिया में अगर आज हमको खुद की आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करनी हो तो आज थर्डली का दिन है, हम सारे सिंधी एकजुट जो के रहेंगे, तो इंडिया में सिंधी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, पंजाबी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, मराठीज एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेयर वी आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, वी आर नॉट इंडियंस बट वी आर गुजराती मराठी बंगाली पंजाबी सिंधी। तो यूरोप की मिड 18 सेंचुरी में इस तरीके से लोग खुद को आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है ना, कि हम फ्रेंच स्पीकिंग है, हम जर्मन स्पीकिंग है, हम इटालियन फ्रेंच है, इस तरीके से हम लोग खुद को आइडेंटिफाई करते थे। ओके तो कोई नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करते थे, हाँ लेकिन पूरे यूरोप में दो क्लासेस डिवाइडेड थी, एक थी एरिस्टोक्रेसी यानी कि अमीर लोग और एक थी क्या पीजेंट्री यानी कि गरीब लोग। एरिस्टोक्रेसी जो थी वो बेसिकली लैंड ओनिंग क्लास थी, यानी कि अगर आपके पास बहुत सारी एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड है तो आप न्यूमेरिकली तो स्मॉल हो, मतलब आपकी पॉपुलेशन तो बहुत कम है पर आप पूरे यूरोप को डोमिनेट करते हो सोशली और पॉलिटिकली, बिकॉज यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड अंडर यू, यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी विद यू, ठीक है। ये फ्रेंच बोलते थे फॉर द यू नो कि फ्रांस जो फ्रेंच जो लैंग्वेज है
वो लैंग्वेज है अमीर लोगों की, हाई सोसाइटी की लैंग्वेज है, और एरिस्टोक्रेसी की जो फैमिलीज थी दे वर कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज, मतलब एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी से ही शादी करेगा, एरिस्टोक्रेसी जो है वो कभी भी पीजेंट्री से मैरिज नहीं कर सकता। यू सी द फर्स्ट लाइन कौन सी समझ ली बेटा, नो नो नेशन स्टेट्स बिकॉज यूरोपियन सॉ देमसेल्व्स, ये वाला हाँ सा ये समझना है जी, तो बेटा। इसका मतलब समझ, अच्छा आज हम लोग जो मैंने तुमको चैप्टर के स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि चक दे इंडिया में वो क्या बोलते हैं कि मैं हरियाणा से हूँ, है ना, यानी कि आज की डेट में अगर मैं तुझसे पूछूं कि यशिका बेटा तू भतीजा है तो तू कौन सी, तू कहाँ से बिलोंग करती है, तू बोलेगी मैं सिंधी समाज को बिलोंग करती हूँ। When you say that I belong to a particular committee, community and not to a particular nation, तो वो हो जाती है आइडेंटिफाइंग यू नो योर सेल्फ नॉट इन अलाइनमेंट विद द नेशन। तो जो फ्रांस के लोग थे वो खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते थे, बाय देयर लैंग्वेज, बाय द लैंग्वेज दैट दे स्पीक। ओके, तो ये चीज लोगों को ठीक नहीं लगती, लोगों को लग रहा था यार, बहुत सारे जो फिलोसोफर्स थे उनको लग रहा था ठीक है आप सिंधी बोलते हो, आप मराठी बोलते हो, गुजराती बोलते हो, बट वी शुड हैव अ कॉमन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू इंडिया वी शुड ऑल ऑफ अस स्टैंड लाइक इंडियंस। आई बात समझ में? ओके, तो दूसरी क्लास थी फ्रांस में, दैट वाज पीजेंट्री। पीजेंट्री कौन हुआ करता था बेटा, स्मॉल वर्कर्स होते थे जिनके पास लैंड नहीं होता था खुद का, तो वो लोग क्या करते थे, एरिस्टोक्रेसी के जो लैंड्स थे वो कल्टीवेट करते थे और उनको उस पे सैलरी मिलती थी। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया, आफ्टर सम टाइम ये सारी चीजें धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट कर दी, लोगों को लगा पीजेंट्री में पैसा नहीं है, इससे अच्छा है हम लोग क्या करें, कुछ चीजें हम लोग बना लें, कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर लें और हम लोग वो बेच देंगे किसको, एरिस्टोक्रेसी को। तो इन्होंने अच्छे अच्छे सिल्क टेक्सटाइल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, इन लोगों ने बहुत सारे वुलन टेक्सटाइल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, और जो बहुत एरिस्टोक्रेसी तो रईस लोग थे, ये लोग तो खरीदने को तैयार रहते थे, सो दे स्टार्टेड ऑफ सेलिंग दीज गुड्स, आर्टिस्टिक गुड्स टू पीपल अराउंड, सो इवेंचुअली दे अर्नड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी विद दिस। ओके, एंड बिकॉज दिस अर्न अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो अब उनको लगने लग गया कि फ्रांस में बहुत सारी जगह पर बहुत ज्यादा इनइक्वल करेंगे, कि क्योंकि मिडिल क्लास को अब जेन्युइनली, अब इन्होंने क्या किया था, इन लोगों ने अच्छे से पैसे कमा लिए थे, क्योंकि इन्होंने पैसे कमा लिए थे तो इन्हें सोसाइटी में, अब इनमें से काफी लोग पढ़ लिख गए थे, तो कोई ये जो क्लास ऑफ पीपल इमर्ज हुई थी पीजेंट्स में से, पहले फ्रांस में कौन सी क्लासेस थी, दो, या तो आप एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करते हो या तो आप किसको बिलोंग करते हो, पीजेंट्री को बिलोंग करते हो। लेकिन अब ये जो नई क्लास आई, दिस कंप्राइज्ड ऑफ होम, दिस कंप्राइज्ड ऑफ बेसिकली मिडिल क्लास, जो बहुत कुछ पढ़ चुकी थी, बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी रिगार्डिंग थिंग्स, जिन्हें लगता था सोसाइटी में जो इक्वालिटी है वो मेरिट पे होनी चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन यू नो विच फैमिली यू आर बॉर्न इन टू। ठीक है, तो फिर इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बंदे को हक मिलना चाहिए, जो वो करना चाहता है उसको बिजनेस करने का राइट होना चाहिए, उसे पैसा कमाने का राइट होना चाहिए, राइट। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था, इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है, कि हर कोई बंदा क्या होना चाहिए, आजाद होना चाहिए। सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सारे लोगों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इन द आईज ऑफ लॉ। तीसरा, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, राजा जो चाहेगा वैसे डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने डिसीजंस के लिए लोगों की क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। ओके, और फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स का मतलब होता है, पहले क्या होता था, आपको अगर अपने कहीं पर कोई भी गुड्स क्या करने हैं, बाय या सेल करने हैं, तो आपको वहाँ की जो पर्टिकुलर स्टेट की कम्युनिटी है उससे पूछना पड़ता था कि क्या हम लोग ये गुड्स आपके इधर सेल कर सकते हैं क्या, वैसा वाला। तो बोला नहीं यार, मार्केट्स कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, अगर एक मैं नेशन को बिलोंग कर रही हूँ तो उस नेशन में मैं कहीं पर भी जाऊँ तो मैं अपने गुड्स वहाँ पर सेल कर पाऊँ। ठीक है, एंड लास्टली इट वॉज अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एंड कैपिटल। कहने का मतलब ये था यहाँ पर कि स्टेट्स ने आपके